रात को सोने से पहले अपने फेस पर नाइट क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी नाइट क्रीम खुद ही बनाती हूँ। कैसे? कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उन पर कमेंट्स करते हैं। जो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि ओपन पोर्स की, उसको जो लार्ज पोर्स होते हैं उनको किस तरह से रिड्यूस किया जाए ताकि वो स्किन हमारी बिल्कुल इवन और सॉफ्ट और स्मूथ लगे। तो उसमें जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उस वीडियो में मैंने कुछ जिक्र किया था अपनी नाइट क्रीम का, तो कमेंट्स में आप लोगों ने मुझसे कहा कि गज़ल आप शेयर करें अपनी नाइट क्रीम। तो मैं अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल की हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह करूँगी भी। लेकिन जब मैं आपको कहती हूँ ना कि नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करें, जब आप सब्सक्राइब करें तो ज़रूर क्लिक कर लिया करें नोटिफिकेशन की बेल को, उसकी वजह यही होती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ उन चीज़ों पर, तो वो वीडियोस आप मिस ना कर जाएं। जब कभी मेरी कोई रेमेडी आपको अच्छी लगती है, कोई वीडियो अच्छी लगती है, वो चीज़ आप ट्राई करते हैं खुद पर, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं, तो यकीन जाने मेरा 10 गुना ज़्यादा खून पड़ जाता है। मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे इतना ऑनर फील होता है कि मेरी किसी चीज़ से, मेरी किसी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ। तो अगर आपको अच्छी लगती है, आप ट्राई करती हैं, आपको फ़ायदा होता है, तो मुझे ज़रूर उसका फीडबैक दिया करें कि आपको वो कितनी अच्छी लगी वीडियो। बहरहाल ये जो नाइट क्रीम है ये मेरे स्किन केयर रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैं रात को मेकअप के साथ सो गई होंगी या मैंने अपने फेस को वॉश नहीं किया होगा, या क्योंकि ये आदतें आहिस्ता 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 आप अगर करते जाएँ इनकी प्रैक्टिस तो ये फिर आपको बोझ नहीं लगती हैं, आपको लगता है कि ये एक लाइफ का हिस्सा है। तो मेरी अब ये सारी चीज़ें लाइफ का हिस्सा बन गई हैं और मैंने देखा है कि इनका मुझे कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि नाइट क्रीम अभी की बात नहीं है या सिर्फ मैं नहीं लगाती हूँ, सदियों से ख़वातीन जो अपनी खूबसूरती के लिए लगाया करती थी, हज़ारों साल पहले ऑयल्स लगाती थी रात को सोने से पहले ताकि वो सुबह उठें तो उनकी स्किन बहुत मॉइस्चराइज्ड हो और सॉफ्ट हो और ड्राई ना हो, तो ये करते 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 वो ऑयल्स मॉडिफाई होते गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये ब्यूटी इंडस्ट्री बन गई और महंगी महंगी क्रीम्स बनने लगीं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो सालों आप रख सकें बाहर। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, और फिर मैं जब पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ एक एक इंग्रेडिएंट पर, मुझे पता चलता है कि किसका क्या फ़ायदा है, और फिर मैं अपने लिए चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे उसका इतना फ़ायदा होता है और फिर मेरा दिल करता है मैं आपके साथ शेयर करूँ वो सारी चीज़ें। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ वीडियोज़ बनाती जाऊँगी और मैं शेयर करती जाऊँगी। तो आज की वीडियो में मैं अपनी नाइट क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाइट क्रीम का लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रात के टाइम पर हमारी स्किन जो है रिपेयर हो रही होती है, तो उसको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब देखिए जल्दी जल्दी से कि नाइट क्रीम मेरी कैसे बनेगी और क्या क्या चीज़ें उनमें होंगी और किस तरह से वो लगाया जाएगा, उसके बाद फिर मिलते हैं। इस नाइट क्रीम को बनाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी, 2 टेबलस्पून आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल यूज़ करूँगी इसमें मैं, और कैस्टर ऑयल के अलावा 1 टीस्पून के बराबर मैं विटामिन ई का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको विटामिन ई का ऑयल ना मिले इस तरह से बॉटल में तो आप जो कैप्सूल्स होते हैं विटामिन ई के, वो भी आप 4 से 6 के दरमियान यूज़ कर सकती हैं। और ये है ग्लिसरिन, ये भी मैं 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। और इसके अलावा फ्रेश एलोवेरा का प्लांट है मेरे पास, मैं इसका तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैं जेल यूज़ करूँगी। अगर आपको ये ना मिले तो आप प्योर फॉर्म में जो ट्यूब्स में आते हैं आता है एलोवेरा का जेल, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से छोटा सा एक प्लांट का पीस काट लीजिएगा और इसका जेल इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब एलोवेरा का जेल जो है वो आप सबको पता है कि एलोवेरा के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ए सी, और ये हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो स्किन को बहुत सूद करता है। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आमंड ऑयल जो कि सुबह सुबह हमारे फेस पर जो पफिनेस होती है उसको कम करता है, अंडर आई सर्कल्स को रिड्यूस करता है, और हमारे फेस पर जो स्कार्स वगैरह जो पुराने निशानात होते हैं उनको भी कम करता है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ कैस्टर ऑयल जो कि हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स को बहुत हद तक रिड्यूस करेगा, और अब कोकोनट ऑयल शामिल कर रही हूँ जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे स्किन पर हार्मफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको होने से बचाता है।
ये इस क्रीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई का ऑयल, जो कि हमारी स्किन के फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक करेगा और स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करता है और फाइन लाइंस और रिंकल्स को बहुत हद तक रिड्यूस करता है। अब मैं ग्लिसरिन शामिल कर रही हूँ जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा और स्किन को बहुत सॉफ्ट रखेगा। अब किसी साफ कंटेनर में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। अब ये बहुत ही थिक सी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होममेड नाइट क्रीम तैयार है, जिसे आप साफ़ सुथरे कंटेनर में रख दीजिएगा और इससे आप 15 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे और ये ठंडी हो जाएगी तो ये इस तरह से पानी इसका बिल्कुल अलहदा हो जाएगा और ये थिक क्रीम बन जाएगी, जिसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसी कंटेनर में रखिएगा और इसे थिक क्रीम को आप यूज़ करते रहिएगा। रात को आप जब लगाएंगी और सुबह आप जब उठेंगी तो आपको अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट लगेगी और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आपके फेस पर फाइन लाइंस और रिंकल्स भी बहुत कम हो जाएंगे। तो अब ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम तैयार है, नाइट क्रीम, और इसको लगाने का तरीका क्या है कि इसकी एक शर्त है लगाने की कि उससे इसको लगाने से पहले आपको अपना फेस जो है वो क्लीन करना है पहले। अगर आपके फेस पे मेकअप लगा है तो आप इस तरह से कॉटन के पैड्स ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लें। आप पहले अपने पूरे फेस से जो भी मेकअप लगा है, कुछ है, डर्ट है, जब भी बाहर से आप आए हैं, रात को सोने से पहले स्पेशली अपने फेस पर थोड़ी सी कोई सी भी मसाजिंग क्रीम ले सकते हैं। अगर आपको कोकोनट नहीं ऑयल नहीं लगाना तो वो उसकी उसका थोड़ा सा लगा के आपने रिमूव कर लिया अपना मेकअप। उसके बाद आपको अपना फेस किसी फेस वॉश से धो लेना है अच्छी तरह से, उसको आप टिश्यू पेपर से ड्राई कर लें फेस को, और उसके बाद इस क्रीम को थोड़ा सा आप हाथ पे लें और उसका फेस पर मसाज करें। आप 2 मिनट तक आपको हल्के हल्के सर्कुलर मोशन से आपको पूरे फेस पर मसाज करना है ताकि आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़े और उसके बाद वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगी क्रीम आपके फेस पर। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि फाइन लाइंस या रिंकल्स आने का खतरा है या जहाँ जहाँ ज़्यादा आपको ड्राई स्किन लगती है वहाँ पर थोड़ी सी और ये क्रीम लेकर और हल्का हल्का सा उसको टैप करके उस क्रीम को लगा लें दोबारा से, ताकि वो एरिया ज़्यादा मॉइस्चराइज रहे। और सिर्फ फेस ही नहीं, आप नेक और फेस पर तो लगाएंगे लेकिन हाथों पैरों पर आप लगा सकती हैं इस क्रीम को। स्पेशली एल्बोज़ जो होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, उन पर ज़रूर लगाया करें। हेल्थ और जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं, हमारे स्किन, बाल, जो जो चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करना हमारा पूरा पूरा फ़र्ज़ है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालती हूँ। कहते हैं ना, इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। अगर आप चाहेंगी तो टाइम निकल आएगा और इन चीज़ों में इतना टाइम लगता भी नहीं है, ट्रस्ट मी। हफ्ते में कभी आपने कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी आपने अपने बालों को टाइम दे दिया, कभी स्किन को टाइम दे दिया, कभी अपने कपड़ों को टाइम दे दिया, कभी अपने लिए तो ज़ाहिर है टाइम तो निकालना पड़ता नहीं, मेंटेनेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि कोई मिरेकल तो होता नहीं है कि एक दफ़ा कुछ कर लिया और उसका बस सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको मेंटेन करते रहना चाहिए हर चीज़ को, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारी अपनी हेल्थ हो, हमारा घर हो, हमारे बच्चे हों, हमारे रिश्ते हों, सब चीज़ों के लिए मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें और इस नाइट क्रीम को अपने लाइफ का हिस्सा बना लें। रात को सोने से पहले जिस तरह से मैंने बताया ऐसे लगाकर सोएं, 2 मिनट लगते हैं और फिर आपको देखिएगा 1 महीने के अंदर आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिए और बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है उसे भी क्लिक कर सकते हैं और इस बॉक्स में वीडियो जो नज़र आ रही है इसे भी देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी।